हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव ना आने से अतिथि शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं, अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर जो है उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ना आने पर जो है नाराजगी जताई है। और संगठन के अध्यक्ष जो अभिषेक ने यहाँ पर जो है बताया गया है कि शिक्षा मंत्री से यहाँ पर जो है प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का जो है आश्वासन दिया था, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इससे जो है प्रदेश भर की जो अतिथि शिक्षकों में यहाँ पर जो है नाराजगी है। तो यहाँ पर कल कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की जो इनकी सुरक्षित भविष्य को लेकर जो है बात करने की बात कही गई थी कैबिनेट में, लेकिन वो प्रस्ताव शिक्षा मंत्री ने नहीं रखा है। और इस वजह से यहाँ पर शिक्षक जो अतिथि शिक्षक हैं वो यहाँ पर नाराज हैं। और वहीं बात करें, यहाँ फाइनल परीक्षाएं यहाँ पर नहीं होने से अधर में छात्र। तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना परिसर में यहाँ पर बताया गया कि यूनिवर्सिटी बने 4 साल का यहाँ पर समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर आज भी यहाँ जो है छात्रों को पूर्ण व्यवस्थाएं जो है नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर जो है अब छात्रों के सामने जो है परीक्षा और परीक्षा फल का जो है संकट खड़ा हो गया है। और इससे जो है छात्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते छात्रों का संकट यहाँ पर है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे छात्रों का जो है अलग अलग यहाँ पर बयान जारी किया गया है। और साथ में यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक की तरह कहा गया है कि अगस्त तक यहाँ पर जो है छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं को यहाँ पर जो है संपन्न कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, और अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है घोषित किए जा रहे हैं। और जल्द जो है व्यवस्था पूरी तरह यहाँ पर ली जाएगी, बताया गया है कि जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कहा गया है। और उत्तराखंड में यहाँ पर अग्नि भी 10,000 युवा जो है शामिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में रानीखेत जो रेजिमेंट केंद्र की जो सोमनाथ मैदान है, वहाँ पर जो है अग्निवीर भर्ती रैली पर संपन्न हो चुके हैं। इसमें ARO आपका अल्मोड़ा की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि रैली के जो अंतिम दिन जो है यहाँ पर सिपाही फार्मा पदों के लिए यहाँ पर दौड़ का आयोजन किया गया था। और 20 जून से यहाँ पर जो है भर्ती रैली शुरू की गई थी। लगभग 10,000 से अधिक जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था, और भर्ती को लेकर भी यहाँ पर किए गए थे कड़े इंतजाम। और लैंसडाउन और पिथौरागढ़ में होगी अगली भर्ती रैली। तो यहाँ पर अगली भर्ती रैली आपके लैंसडाउन और यहाँ पिथौरागढ़ में होनी है। तो सैन्य अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जो है इस साल कई चरणों में जो है अग्निवीर भर्ती रैलियों का जो है आयोजन किया जाना है। और अग्निवीर भर्ती रैलियाँ जो होंगी लैंसडाउन और पिथौरागढ़ में होंगी। और सैन्य अधिकारी ने युवाओं को जो है तैयारी में जो है जुड़ने का यहाँ पर जो है आह्वान क्या है, तो यहाँ तैयारी करने की बात कही गई है। नेक्स्ट भर्ती आपके लैंसडाउन और यहाँ पर पिथौरागढ़ में होगी। और वहीं बात करें, यहाँ पर 1 से लेकर 10 सितंबर तक जो है कोरदार में होगी अग्निवीर भर्ती रैली। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में सेना भर्ती आपके यहाँ पर कोटद्वार में होनी है। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है सेना भर्ती अधिकारी और यहाँ पर जो है SDM ने ली रैली से संबंधित जो है विभिन्न विभागों की बैठक। और इसमें 8,000 जो है युवाओं की भर्ती रैली में जो है सम्मिलित होने की संभावना बताई जा रही है। और इसके लिए यहाँ पर जो बताया गया है कि जल्द ही यहाँ पर जो है कोटद्वार में भर्ती होंगी, 10 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। और इसमें जो आयोजित जो लेकर तैयारी है पूरी कर लेगी है। अब मंगलवार को जो है SDM प्रमोद कुमार की ओर से जहाँ अध्यक्षता में भर्ती से संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं उनको जो है बैठक की गई थी, और जिसमें सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल जो मनीष शर्मा है उनके अधिकारी की भर्ती से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी दी है। तो तैयारी पूरी कर ली है, नेक्स्ट मंथ आपके यहाँ सितंबर में भर्तियाँ होंगी। बात करते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में कोर्ट ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों का जो है ब्यौरा मांगा। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में हाई कोर्ट में विधानसभा सचिवालय में जो है राज्य गठन के बाद हुई सभी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ जो है यहाँ पर दायर जनहित याचिका पर जो सुनवाई की है। और मुख्य न्यायाधीश विपिन साधनी और यहाँ पर न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने यहाँ जो है याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय से कहा है कि यहाँ पर किस साल जो है 2020 से लेके, कहा कि जो साल 2020 से लेके 2021 तक के किस किस के कार्यकाल में जो है सचिवालय में कितनी भर्तियां हुई हैं उनकी पहचान कर जो है वर्षवार मेरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर 3 सप्ताह में जो है शपथ पत्र पेश करें। तो 3 सप्ताह में जो है पूरी भर्तियां 2021 तक के पत्र प्रयोग यहाँ जो शपथ पत्र लेकर हम बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर कितनी भर्तियाँ हुई हैं। और अगली सुनवाई जो है 4 अगस्त को तिथि नियत कर दी गई है। तो 4 अगस्त को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है और इसमें फैसला होना है। और वहीं बात करें, यहाँ पर उत्तराखंड में परीक्षा केंद्र पर जो है होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। तो बायोमेट्रिक उपस्थिति यहाँ पर उत्तराखंड के परीक्षा केंद्र में होनी है। और कहा गया है कि परीक्षा जो है आपका योग्यता परिषद की ओर से होनी है, जिसमें यहाँ पर आपका
नौ जुलाई को रखा गया है। और इसमें अधीनस्थ सचिव आई क्यू ओ सी बीट में यहाँ पर संवत्सरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कराने को लेकर डीएम अनुराधा पाल ने यहाँ पर जो है केंद्र व्यवस्थापकों और प्राचार्यों और जो जोनल हैं उनके सेक्टर के मजिस्ट्रेट पर बैठक की है। और अल्मोड़ा में बताया गया कि यहाँ पर कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 8,620 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। और परीक्षा केंद्र में बताया गया कि मोबाइल का प्रयोग जो पूरी तरह से यहाँ पर रोक देगी। और केंद्र जो व्यवस्थापक उनके साथ जो है डीएम ने बैठक भी करी है। और परीक्षा के दिन जो है बताया गया है कि यहाँ पर धारा 144 यहाँ पर लागू रहने वाला है। तो योग्य तपस्या की ओर से रहने वाले हैं वीडियो भर्तियाँ। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बताया गया कि नई निवेश से यहाँ पर रोजगार के 2.5 लाख अवसर पैदा होंगे। तो यहाँ पर कैबिनेट में जो है इसी साल जो है दिसंबर माह तक जो है राज्य में और इन्वेस्टर जो सबमिट करने का निर्णय लिया गया है, इसमें 70,000 जो करोड़ है इनके निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और इसके जरिए जो है 3 साल के भीतर जो है 2.5 लाख जो रोजगार हैं उनको मुहैया कराने की बात यहाँ पर कही गई है। और पूरा ब्यौरा इसमें रखा गया है। और साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 30,000 करोड़ का जो है सबमिट शुरू होने वाली है। यह है पहली जो है जुटाई जाएगी सरकार बताया गया है। और इसमें यहाँ पर जो है रोड शो भी करने बताने यहाँ पर वित्त मंत्री करेंगे, सबमिट का उद्घाटन वित्त मंत्री सबमिट का उद्घाटन करने वाले हैं भी हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर हाई कोर्ट के विधानसभा नियुक्तियों पर जो है 3 हफ्ते में जो है मांगा जवाब। तो हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में जो है विधानसभा नियुक्तियों को लेकर जवाब मांगा है। और राज्य बनने से जो है लेकर 2021 तक का जितनी भी नियुक्तियां हो रखी हैं, किस इसमें कितनी कितनी नियुक्तियां हो रखी हैं, सारा जो है तय जो भी ब्यौरा है वो मांगा गया है। और इसके नेक्स्ट हियरिंग भी होनी है, तो उसमें यहाँ पर जो है इसमें जवाब मांगा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी के लिए बनेंगे कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में बताया गया संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी। उत्तराखंड का जो है 3 विश्वविद्यालय में जो है कोचिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कोचिंग सेंटरों में छात्रों के सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि जिसमें यहाँ पर लड़कियों और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हों उनकी उनकी वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। और कोचिंग सेंटर जो है 2 विश्वविद्यालय और गोविंद वल्लभ पंद्रह विश्वविद्यालय और यहाँ पर प्रौद्योगिकी पंद्रह विश्वविद्यालय और सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय यहाँ पर जो संचालित होंगी। और यह कोचिंग जो है सेंटर माह अक्टूबर में संचालित की जाने का प्रस्ताव। तो अक्टूबर में से ये 3 विश्वविद्यालय में जो है कोचिंग सेंटर शुरू कर दी जाएंगी बताया गया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर 2364 यहाँ पर जो है भर्ती को रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी में जो है कर्मियों की होंगी भर्ती। तो यहाँ पर फोर्थ क्लास में 2364 पदों की वैकेंसी निकलने वाली है। इसमें सरकार की ओर से स्कूल में जो है फोर्थ क्लास में कर्मचारियों के यहाँ पर वर्षों से रिक्त 2364 पदों की नियुक्तियाँ हैं उसका रास्ता साफ कर देगा है। कैबिनेट ने जो है इन पदों को जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरने पर हरी झंडी दे दी है। और इससे पहले यहाँ पर कैबिनेट ने बीआरपी सीआरपी के 955 पदों के लिए यहाँ पर आउटसोर्स भरने के लिए यहाँ पर छूट शिक्षा विभाग को दे चुके हैं। अब यहाँ पर फोर्थ क्लास में भी आपके निकलने हैं। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है चतुर्थ कर्मचारियों के पदों पर जो है कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो है डेड कैडर यहाँ पर जो है घोषित कर दिया गया था। और शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के 4,331 जो है पदों पर जो है डेड कैडर के जो वजह से समाप्त हो चुके थे, लेकिन जो है इन पदों पर जो है कर्मचारी ना होने की वजह से हम समस्या आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो है 2364 पदों की नई भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से भरने के लिए कहा गया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में 2600 से अधिक जो है पदों की भर्ती जो वैकेंसी है शिक्षकों की उसके मामले पर जो है सरकार की दोहरी नीति। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2600 पदों की वैकेंसीज को लेकर जो है यहाँ पर आपके प्राथमिक लेवल में शिक्षक भर्ती की रिगार्डिंग है, जिसमें एनएससी से लेकर जो है डीलेट करने वाले जहाँ पर बार रखे रखने के लिए यहाँ जो है एक तरफ जो सरकार सुप्रीम कोर्ट है वो पहुंची हुई है। और वहीं अब दूसरी ओर जो शिक्षक भर्ती जो सम्मिलित करने को लेकर निदेशालय में जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो दो दो मानक चले, तो इस वजह से यहाँ जो है दिक्कत हो रखी है। वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बात करते हैं योग्यता परीक्षा की भर्ती की जो अकॉर्डिंग है वीडियो पोस्ट हैं इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें बताया गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो की जो परीक्षा को जो है लेकर अभ्यर्थी चिंता में है। तो चिंता में है अभ्यर्थी, कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी पद पर जो है 9 जुलाई को होने वाली जो परीक्षा है उसमें परीक्षा केंद्र तक पहुँचने को लेकर जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ चुकी है। और उसमें बताया गया कि हरिद्वार में जो है कांवड़ यात्रा के चलते भीड़ है। और तो पहाड़ में जो है जिलों में मार्ग बंद होने की जो है आशंका होने से परेशान है। और यहाँ पर बताया गया कि हरिद्वार जिले में कई दिनों यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रखी है और इसके चलते यहाँ पर भीड़ अधिक है और ट्रैफिक प्लान की भी यहाँ पर जो है लागू
किया गया है और 9 को होने वाली परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए जिन्हें उन्होंने आवेदन किया है वह जो है परेशान है। और छात्रों को यहाँ पर बताया गया है कि जो दूर दराज वन्य सेंटर्स हैं वहाँ तक पहुँचने में टेंशन है और पहाड़ों में हो रही बारिश और भूस्खलन से यहाँ जो मार्ग बंद हैं, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और इसके लिए कहा गया है कि वीडियो जो है कल परीक्षा में मेरा सेंटर जो है उत्तरकाशी है और इसमें यहाँ पर छात्रों ने कहा है कि बस में फ्री कर दिया गया है लेकिन यातायात ठीक नहीं चल रही है और जिसके चलते 8,000 रुपया गाड़ी बुक की गई है, तो 8,000 8,500 रुपये बुक करने पड़े हैं, खाना पीना आधा खर्चा बताया गया मोहित ने। और वहीं एक और छात्र ने कहा है कि यहाँ पर मेरे सेंटर खटीमा में पढ़ रहा है और एक दिन पहले वहाँ जाना होगा और खाने पीने में भी दिक्कत होगी, तो इस तरह छात्र ने अपना दुख व्यक्त करा है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के जॉब अलर्ट में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है SSP SP GTI में 96 पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 जुलाई तक का वेबसाइट आप जारी किया गया है। और CSIR में 18 पोस्ट निकाली गई वैज्ञानिक रूप की, इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। UP SSSS में यहाँ पर 530 पदों पर जो है पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट अकाउंट की है, 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ में ये पोस्ट भी निकाली है, इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं।